हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ ऐसी शॉर्टकट कमांड जिनका यूज अगर आप कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो आप अपने काम को और बेहतर तरीके से फास्टली काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पब्लिकेशन से संबंधित काम करते हैं या आप कोई जॉब वर्क से संबंधित काम करते हैं तो ये कुछ शॉर्टकट कमांड है। अगर आप इनका यूज करते हैं तो आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वो शॉर्टकट कमांड है जिनका यूज आज हम देखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गए हैं। इसमें हमने कुछ टेक्स्ट ले रखा है जिस पर हम ये सारी शॉर्टकट कमांड लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कर्सर मूवमेंट से संबंधित कुछ शॉर्टकट कमांड्स। तो कर्सर मूवमेंट से संबंधित सबसे पहली शॉर्टकट कमांड है, जैसे हमारा कर्सर इस पैराग्राफ के सबसे ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं और इसके साथ इसमें हम ये राइट एरो साइन प्रेस करते हैं तो कर्सर एक एक वर्ड आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए, एक हाथ से हम कंट्रोल प्रेस किए हुए हैं, दूसरे हाथ से हम राइट एरो की को प्रेस कर रहे हैं। तो ये देखें, कर्सर एक एक वर्ड आगे की तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये देखें, कर्सर एक एक वर्ड लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है। तो पूरे के पूरे वर्ड को लेफ्ट और राइट में मूव कराने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की राइट के लिए और लेफ्ट एरो की लेफ्ट के लिए प्रेस करते हैं। व्यूअर्स, अब हम अगली मूवमेंट से संबंधित एक और शॉर्टकट कमांड देखते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं या अप एरो की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज करते हैं तो कर्सर कहीं पर भी रखा हो, जैसे अभी कर्सर यहां पर रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, और अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करें तो कर्सर सीधा फर्स्ट लाइन पर आ जाएगा पैराग्राफ के। अगर हम और फिर से प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट अक्षर पर कर्सर पहुंच गया है। इसी तरह से अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो सबसे नीचे पैराग्राफ के कर्सर आ जाएगा, ये देखिए, लेकिन रहेगा पहली लाइन के पहले अक्षर पर। अप एरो की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक पैराग्राफ ऊपर फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पर। अगर हम डाउन की प्रेस करते हैं तो ये इसके अपोजिट यानी रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं अगली शॉर्टकट कमांड कर्सर मूवमेंट से संबंधित, वो है कंट्रोल के साथ एंड की और कंट्रोल के साथ होम की। अगर हम कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर कहीं पर भी हो, जैसे कर्सर यहां पर रखा हुआ है, अगर कर्सर कहीं पर भी हो, अगर कंट्रोल के साथ हम होम की प्रेस करते हैं तो कर्सर डॉक्यूमेंट के सबसे पहली लाइन के पहले अक्षर पर आ जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं तो कर्सर डॉक्यूमेंट के सबसे एंड वाली लाइन पर पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो पेज का मैटर था, तो ये देखिए, ये सेकेंड पेज पर है और फर्स्ट पेज यहाँ इतना है। तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पर अगर आपको एक बार में कर्सर पहुंचाना है तो यहाँ आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एंड की। तो ये देखिए, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पर कर्सर पहुंच गया है। अगर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सबसे फर्स्ट लाइन पर पहुंचाना है तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो सबसे ऊपर पहली लाइन पर कर्सर आ जाता है। अगली शॉर्टकट कमांड है व्यूअर्स, अगर हम कंट्रोल के साथ ऑल्ट की प्रेस करें और इसके साथ हम प्रेस करें पेज अप और पेज डाउन की का तो क्या होता है? तो हम यहां पर ऑल्ट और कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और यहां पर हम पेज अप की प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कर्सर जो करंट डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके पहली लाइन पर आ गया है। अगर हम यहां कंट्रोल ऑल्टर के साथ हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो जो सामने पेज दिखाई दे रहा है उसी के सबसे नीचे वाले लाइन पर कर्सर आ गया है।
तो व्यूअर्स, ये अभी आपने देखे थे कर्सर मूवमेंट से संबंधित कुछ शॉर्टकट कमांड्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी शॉर्टकट कमांड जो आपको जनरली यूज होती हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जब हम कर्सर कहीं पर रखने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट साइड के एक एक अक्षर डिलीट होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एक अक्षर डिलीट हो रहा है जब हम डिलीट की को प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से। अगर हम बैकस्पेस की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले एक एक अक्षर डिलीट होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, हम चाहते हैं कि एक एक वर्ड एक साथ डिलीट हो लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड राइट साइड से डिलीट होगा। ये देखना, कंट्रोल के साथ हमने डिलीट की प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा वर्ड खत्म हो गया। अगर हम यहाँ फिर से कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये देखिए, तो राइट साइड से एक एक वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डिलीट या डेल की का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हमें कर्सर के लेफ्ट साइड के पूरे वर्ड को हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की, कीबोर्ड में ये एंटर के ऊपर होती है, अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो एक एक वर्ड लेफ्ट साइड के डिलीट होंगे। ये देखें, इस तरह से पूरे के पूरे वर्ड एक बार में पूरा डिलीट हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थे डिलीट से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कमांड। व्यूअर्स, अगली शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। इससे क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जिसका हमने फॉर्मेशन कर रखा है उसको नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसको हम फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे इसको हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा साइज भी इसका बढ़ा दिया और इसको हमने एक कलर भी दे दिया, तो इस तरह से ये हमने थोड़ा इस टेक्स्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। इस टेक्स्ट को हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये देखिए, टेक्स्ट फिर से उसी रूप में आ गया जो ओरिजिनल फॉर्म में था। तो किसी भी बदले हुए टेक्स्ट को हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं तो वो कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करके लेके आ सकते हैं। देखें, फिर से इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको हमने कलर कर दिया और बोल्ड भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं ये फिर से नॉर्मल हो जाए, तो फिर से आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कर दें तो ये फिर से नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आ गया है। तो ये काम होता है कंट्रोल के साथ स्पेस बार की का। अगली शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट और F3। इससे व्यूअर क्या करते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है उसका हम केस चेंज करते हैं। जैसे ये पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहां पर हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें तो ये देखें, जो हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ था वो अपर केस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम यहां पर फिर से F3 प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो ये फिर से बिल्कुल लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है, अब इसमें एक भी अक्षर कैपिटल का नहीं है। अगर हम यहां पर फिर से प्रेस करते हैं तो सेंटेंस वाइज हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एस है वो कैपिटल है, इसके बाद पूरा सेंटेंस यहां पर खत्म होता है, इसके बाद फिर से टी कैपिटल है, तो इस तरह से हम सेंटेंस वाइज सेंटेंस भी इसको कर सकते हैं। तो शिफ्ट और F3 से हम किसी भी टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं। अगली शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन प्रेस करते हैं, सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का साइज कम हो जाएगा। वैसे तो हम साइज यहां से बढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं कि जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो किसी भी पैराग्राफ का जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसका हम साइज कम या ज्यादा यहां से कर सकते हैं, या फिर हम यहां से भी कर सकते हैं, इससे हम कम करते हैं और इससे हम बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट भी है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का साइज कम हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला साइन प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट का साइज यहां पर बढ़ता जाएगा। तो साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं
और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन की का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड। अगर आप इनका यूज करते हैं तो आप एमएस वर्ड में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, फास्टली काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये शॉर्टकट कमांड आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।